देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्निहोत्री। नजर डालते हैं आज की खबरों की तरफ। नगर निगम कर्मचारियों ने षड्यंत्र पूर्वक 180 कर्मचारियों को काम से निकाले जाने का लगाया आरोप। नगर निगम के कामकाज पर आए दिन सवालिया निशान लगते रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है सफाई कर्मचारियों का। पिछले 4-5 वर्षों से नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को नगर निगम की MIC की बैठक में निकाले जाने का प्रस्ताव लाया गया है, जिसके विरोध में बुधवार को जहां कांग्रेस पार्षद दल नजर आया, तो वहीं गुरुवार को नगर निगम कर्मचारियों ने इस पर आपत्ति जताई। एक साथ 180 कर्मचारियों से उनका रोजगार छीनना, उनके परिवारों की आजीविका का साधन छीनना है, जिसके चलते उनके परिवारों को भूखे दिन बिताने पड़ सकते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि विरोध के बाद क्या नगर निगम में वापस इन कर्मचारियों को काम पर रखा जाएगा, या फिर आने वाले दिनों में इन कर्मचारियों को अपने रोजगार के लिए दोबारा दर बदर भटकना पड़ेगा। हाँ बताइए, क्या मामला है? मामला है कि हमारे एक सफाई कर्मचारी जो है तो 180 जो रखे गए थे, इनको निकाल दिया गया है। हम लोग की ये मांग है कि इन लोगों को पुनः वापस लिया जाए। कौन निकाला? ये MIC। किस वजह से निकाला? ये वजह MIC बता सकती है। हम लोग तो मजदूर हैं, 4-5 वर्षों से काम कर रहे थे, संचालक 4 साल से हम लोग कर रहे हैं। आप बताइए फिर पूरे उसको मिलेगा जो काम करेगा। जी सर, समझ रहे हो? तो जो काम करने वाला होगा उसको अभी MIC ने उसको पास नहीं किया, लेकिन जहाँ तक जनवरी के वेतन की बात हो रही है यार, 8 साल हो गए कब तक रखना, ये निश्चित होने से क्या नियम क्या है? अरे भाई नियम क्या है, उनको उसको देना चाहिए। तो उतने दिन तो लोग रह चुके हैं, चलो उसको पैसा कटवा तो खत्म हाँ बताएं किस क्या मामला है? एक्चुअली मामला ये है कि शायद MIC ने अभी 180 हमारे सफाई कर्मचारियों को कार्य में की सीमा नहीं बढ़ाई गई है, जिसको आयुक्त नगर निगम ने स्वीकार करके इन कर्मचारियों को निकालने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जबकि MIC ने यह भी निर्णय लिया था कि जो यहाँ से स्थानांतरण कर्मचारी हो गए हैं उनको जब तक दूसरे कर्मचारी नहीं आ जा रहे हैं उनको रिलीव न किया जाए, पर इनके द्वारा मैंने दोहरी मापदंड के हिसाब से काम किया जा रहा है जो कि कर्मचारियों के हित में नहीं है, और ऐसी प्रक्रिया की निंदा कर्मचारी संघ निंदा कर रहा है। कुल कितने कर्मचारियों का ये स्थापित है? ये हमारे 180 कर्मचारी हैं और करीब 4-5 साल से काम कर रहे हैं यहाँ, मतलब 10-10 साल से भी काम कर रहे हैं ऐसे कर्मचारी हैं जिनको हटाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, और यहाँ सिंगल एक व्यक्ति के इशारे पर काम हो रहा है, जिसके चलते पूरा नगर निगम काम ठप है, शहर की पूरी व्यवस्था ठप हो गई है, और सिर्फ यहाँ अब राजनीति हो रही है और इसके अलावा कोई काम नहीं किया जा रहा है। परेशानी क्या है यहाँ निकलने? परेशानी हमारे कर्मचारी को निकाला जा रहा है, अब बताइए इनका परिवार भूखों मरेगा, और ये 180 कर्मचारी के साथ कम से कम 10-10 परिवार लड़के बच्चे जुड़े हुए हैं, और इनका परिवार भूखों मरने की स्थिति में आ गया है, और आज 2 महीने तनख्वाह भी नहीं दिए हैं, और वही तनख्वाह नहीं दिए हैं, और हमारे जो नियमित कर्मचारी है उनका एरियस भुगतान नहीं किया गया है जबकि एरियस बना हुआ है, और सिर्फ यहाँ एक राजनीति चल रही है कि कर्मचारियों को परेशान करो, इनको वेतन ना दो, इनका ट्रांसफर करो, बस यही रहा धंधा चल रहा है।